गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सद्गुरु के पास आना, उनसे जुड़ना, उनसे दीक्षा लेना, ये एक बहुत बड़ी घटना होती है। हमें पता भी नहीं होता कि इस ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। ये अस्तित्व हमारी पूरी जन्मों की श्रृंखला जानता है। हम पहले क्या थे, हमने क्या साधना की थी, हम इस जन्म में नहीं जानते, परंतु वह परमेश्वर जानता है, यह अस्तित्व जानता है। और यह अस्तित्व अपने आप ही हमें कल्याण के मार्ग की तरफ ले जाता है, एक ऐसे कल्याण के मार्ग की तरफ जहाँ हमारा मिलन सद्गुरु से होता है और हम परमेश्वर की साधना करते हैं, उसकी तरफ जुड़ते हैं। भगवान बुद्ध एक बार एक गांव में गए तो वहाँ पर एक सभा थी, सत्संग था। तो सत्संग में जैसे ही पहुँचे सब लोग सोचने लगे भगवान अब कुछ बोलेंगे, परंतु वह कुछ बोले नहीं, चुपचाप मौन में बैठे रहे। काफ़ी देर हो गई तो कुछ लोगों को लगा शायद भगवान किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ देर के बाद एक छोटी सी लड़की आई पानी भर के मटकी लेकर। जैसे ही वह बैठी तो भगवान बुद्ध ने प्रवचन करना शुरू किया। जब प्रवचन समाप्त हो गया तो लोगों ने पूछा कि आप इस छोटी सी बच्ची की प्रतीक्षा कर रहे थे, हम तो आश्चर्यचकित हैं। तो भगवान बुद्ध बोले कि यह रास्ते में मुझे मिली थी और कहने लगी मैं आपका प्रवचन सुनना चाहती हूँ, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। यह बच्ची नहीं जानती कि यह पिछले जन्म की साधिका है और इसका पिछले जन्म का मेरे से नाता है, तो इस आत्मा को खोजते हुए मैं इतनी दूर इस गांव में आया, इतनी दूर आकर सिर्फ इस बच्ची के लिए मैंने प्रवचन दिए। तो सद्गुरु कहीं भी जाएंगे लेकिन आपको नहीं छोड़ते। जब हम इस देह को छोड़ते हैं तो हमारी एनर्जी मूव कर जाती है, ऊर्जा हमारी जाती है, इस लोक से दूसरे लोक की तरफ मूव करती है। उस समय इस संसार के कोई भी रिश्ते हमारे साथ नहीं जाते, परंतु एक रिश्ता हमारे साथ हमेशा रहता है और वो रिश्ता है सद्गुरु का। वो हमेशा हमारा साथ देता है और हमें बार बार याद दिलाता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा साथ इस जन्म में ही नहीं हर जन्म में दूंगा और हर जन्म में तुम्हारा कल्याण करूँगा।